यार कोई नहीं कुछ बोलो। हेलो, आवाज आ रही क्या बच्चों? सबको आवाज आ रही क्या बेटा? हाँ सर, अक्षत बोले सबको आवाज आ रही क्या? सर चैट्स बाद में ही दिखते हैं, यहाँ बातें मत करो। उस दिन के केमिस्ट्री के भी क्लास में दिखते अभी भी। हाँ सर, मुझे आ रही है आवाज़, बट आवाज़ आ रही है कचर 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 कचर। आवाज़ कचर कचर कैसे आ सकती है? क्लियर आ रहा है तब शायद बाद है। इको हो रहा है, अभी नहीं होगा इको। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। ओके, सेशन वाला स्टार्ट करते हैं हम लोग। गाना ट्राई करके देखो। हाँ पार्थ विलंकर, गाना ट्राई करके देखो। जूम में क्यों नहीं, क्या पता। सर जूम पे क्यों नहीं होती है मीटिंग आजकल? बस आज ही और कल की बात नहीं, फिर परसों से होगी। सर मुझे कुछ बाकी के मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं, क्या करना? बाकी मैसेज देख के देखो, समय का चक्र है। रिफ्रेश, ये म्यूजिकल बॉडी कौन है? यहाँ दिशा आपके नाम से नहीं आया हुआ। दिशा तो है अच्छा, आखिरी दिशांक मिश्रा, म्यूजिकल बडी। उसके यूट्यूब के पेज का नाम जूम में अच्छा लगता, जूम में करते परसों से। वही ठीक है, ये रिकॉर्ड होता ना करके। आओ रिकॉर्ड दूसरे फोन से कर लेंगे, क्या दिक्कत है? गाने का नाम अच्छा ठीक। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो ये रहेगा प्ले, 30 सेकंड का प्ले रहेगा, फिर क्या करेंगे? मैसेज आने में 30 सेकंड दिखने का लगा। एक कोई सवाल पूछो, कितने देर में मैसेज आता दिखने? कोई सवाल मतलब कोई ऐसा पूछो, कल कौन सा पढ़े तो क्या दिखता था दिखने? अबे लास्ट क्या पढ़े थे याद है क्या? ये 4-5 सेकंड।
सीधा बोलता मिरर पड़े एक्सागर वाला क्वेश्चन बताएंगे बाद में। चलो अब हम अभी सेशन 6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बोलेंगे हाँ तो चलो गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। इसका जरूरत नहीं चल रहा सभी को, गुड मॉर्निंग, ठीक है? चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके तो बेटा अपने लास्ट क्लास में R इज इक्वल टू 2F प्रूफ किया था, है ना? R इज इक्वल टू 2F प्रूफ किया था मिरर के लिए। मिरर ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ओके आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बताए? वो करेंगे जो टेंथ में किए थे एक बार, ट्रेसिंग ऑफ रेस। ट्रेसिंग ऑफ रेस, ट्रेसिंग ऑफ रे। तो हमें पता होना चाहिए कि इंसिडेंट रे कैसा होने से रिफ्लेक्टेड रे कैसा होता है। ओके इंसिडेंट रे कैसा होने से रिफ्लेक्टेड रे कैसा होता है हमें पता होना चाहिए। तो आपको तो पता ही होगा अच्छे से कि अगर हम कनकेव मिरर लेते हैं और कोई लाइट रे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होता है, अच्छा मान लीजिए ये सेंटर ऑफ द मिरर है और ये मान लीजिए फोकस है, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होता है वो फोकस से पास होता है, ये आपको पता होना चाहिए और आपको बेशक पता भी होगा, ठीक है? अगर हम कन्वेक्स मिरर लेते हैं, मान लीजिए अगर हम कन्वेक्स मिरर लेते हैं तो इसका जो सेंटर होता है वो उस साइड होता है ना, और फोकस भी इसी साइड होता है वर्चुअल। तो यहां पर अगर मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, यहां पर ये पॉलिश था ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला है, तो हम क्या करेंगे इसको फोकस से पास तो कर नहीं सकते क्योंकि ये लाइट रे उधर तो जाएगा नहीं, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इधर आएगा, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट इसी साइड होगा, उस साइड तो जाएगा नहीं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे डायरेक्शन ये ले लेंगे फोकस का, हम फोकस का डायरेक्शन ले लेंगे और इसी डायरेक्शन में हम इधर रिफ्लेक्ट करवा पाएंगे, समझे? तो ये हो गया आपका जब कोई लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है? दूसरा ये कौन सा था, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? दूसरा हम ले लेंगे कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पार हो रहा है तो, समझे? पासिंग थ्रू फोकस, तो इसका रिवर्स होगा, इसका रिवर्स होगा। जैसे यहां पर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हुआ, अब अगर फोकस से मान लीजिए इंसिडेंट रे है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने कंकेव मिरर बनाया, ये इसका सेंटर है मान लीजिए, ये मान लीजिए फोकस है, ओके?
तो कोई लाइट है अगर मान लीजिए फोकस से पार हो रहा है ऐसा, कोई लाइट है अगर मान लीजिए इस तरह फोकस से पार हो रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा, समझे? वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा। और अगर हम मान लीजिए कन्वेक्स लेंस लेते हैं एग्जांपल, तो भी वही होगा ना। अगर हम कन्वेक्स रे एग्जांपल कन्वेक्स मिरर लेते हैं, इसका सेंटर इस साइड होता है ना और फोकस इस साइड होता है, तो फोकस के तरफ अगर कोई इंसिडेंट लाइट में रहा तो हम डायरेक्शन ले लेंगे पहले और बोलेंगे कि ये जो इंसिडेंट लाइट रे है ये फोकस के तरफ है, दिस इंसिडेंट लाइट रे इज टुवर्ड्स द फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा इट विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए? तो ये दो हो गए, ये दो हो गए, तो स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं आप चाहे तो, आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ओके, और तीन नंबर है कि अगर इंसिडेंट लाइट रे, तीन नंबर है कि अगर इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो किसी को याद है क्या कैसा होता है रिफ्लेक्टेड रे? रिफ्लेक्टेड रे कैसा होता है किसी को याद है क्या? कैसा होता है रिफ्लेक्टेड रे किसी को याद है? अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे अगर मान लीजिए पास हो रहा है ऐसा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मान लीजिए पास हो रहा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे कैसा होगा, कैसा होगा बताओ? अथर्व को याद है, निशान को भी याद है, उसी रास्ते से वापस आएगा, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आएगा, समझे? ऐसा क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि बेटा नॉर्मल भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो कोई भी लाइट रे अगर मान लीजिए सेंटर से पास हो रहा है इसका मतलब होता है पासिंग अलोंग नॉर्मल, पासिंग अलोंग नॉर्मल, समझे? तो नॉर्मल के अलोंग है ना, इसलिए वापस उसी रास्ते से आ गया। और कन्वेक्स मिरर में अगर आप देखेंगे तो इसका सेंटर इस साइड होता है ना, तो कोई इंसिडेंट रे अगर सेंटर की तरफ है, मतलब आपको डायरेक्शन पहले ही मेंटेन करना होगा, ऐसा बोलिएगा, कोई इंसिडेंट रे अगर सेंटर की तरफ है तो वो उसी रास्ते से वापस आएगा, समझ गए? तो ये है आपका तीन तरह का ट्रेसिंग ऑफ लाइट रे। अब मान लीजिए एक चौथा भी बना लेते हैं कि ये तीन के अलावा, ये तीन के अलावा अगर लाइट रे कहीं से भी पास हो रहा है, इंसिडेंट लाइट रे, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया इंसिडेंट लाइट रे टुवर्ड्स पोल, ये मान लीजिए एक कंटियर मिरर है, ठीक है, और ये है ना पोल, दिस इज पोल, तो कोई लाइट रे अगर मान लीजिए पोल के तरफ है ऐसा, तो कैसा होगा फिर? ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आर वाला नियम लगा के ऐसा करके उसको रिफ्लेक्ट करा दीजिएगा, आई इज इक्वल टू आर वाला नियम लगा के ऐसा करके रिफ्लेक्ट करा दीजिएगा, समझे? सिमिलरली अगर मान लीजिए कन्वेक्स मिरर है, अगर मान लीजिए कन्वेक्स मिरर है और कोई लाइट मान लीजिए इसके पोल की तरफ आ रहा है,
कोई लाइट अगर इसके पोल की तरफ आ रहा है तो ये आई हो जाएगा ना, तो अगेन आई इज इक्वल टू आर बना के रिफ्लेक्ट करा दीजिएगा। तो समझ गया होगा आपको, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एकदम सही अक्षत बोले। स्क्रीनशॉट लीजिए क्या? ओके डन डना डन डना डन डन। अब भजवा लो, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और वो है मिरर फॉर्मूला का प्रूफ। जबरदस्त प्रूफ है मिरर फॉर्मूला का, जबरदस्त प्रूफ है। समझे? बहुत मजेदार प्रूफ है। वैसे मिरर फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है क्या मिरर फॉर्मूला क्या है? Does anybody remember? मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र क्या है? 1/F = 1/V + 1/U, ये है मिरर फॉर्मूला। क्या बात है, तो चलिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही मजेदार प्रूफ है। सबसे पहले एक गोला बना लो। गोला बना के एक सेंटरवा बना लो, फोकसवा बना लो, और जितना पार्ट मिरर नहीं है उसको मिटा दो। समझे? अब सबसे पहले याद रखिएगा कि इसका प्रूफ में हम लोग अजम्पशन करते हैं कि मिरर इज थिन। ठीक है, मिरर इज थिन। ओके, गोला क्या परफेक्ट बनाते हो सर। अरे धन्यवाद यार, सब प्रैक्टिस का खेल है, कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे बता आपको, इस साइड से हम पॉलिश कर देंगे ताकि हमको समझ में आए कि कंकेव मिरर है, और हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट का नाम देंगे ए और बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, लंबा ऑब्जेक्ट है। अभी अभी ट्रेसिंग सीखे हैं, अभी अभी हमने ट्रेसिंग सीखा है, तो हम इसका इमेज बना सकते पट से। तो हम क्या करेंगे, एक लाइट रे ले जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और हम उसको फोकसवा से पार कर देंगे। ये हो गया एक ट्रेसिंग पूरा किया हमने। दूसरा क्या करेंगे, हम फोकसवा से पार करेंगे, दूसरा हम फोकसवा से पार करेंगे ऐसा ऐसा, और एज पर कानून ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा और यहां बनेगा ऑब्जेक्ट का इमेजवा। ठीक है, लाइट कहां से निकला था? लाइट निकला था ऑब्जेक्ट के हेड से निकला था, तो जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिले हैं वहां पर ऑब्जेक्ट का हेड बनेगा ना, वहां ऑब्जेक्ट का हेड बनेगा और हम इसका नाम देंगे ए डैश बी डैश। क्या नाम दे देंगे? ए डैश बी डैश। अब हमें मिरर फॉर्मूला प्रूव करने के लिए एक और ट्रेसिंग करना होगा और हम सोच रहे हैं कि उसको पोल से किया जाए, तो हम ऐसा पोल की तरफ एक लाइट रे लेकर गए और I is equal to R के मुताबिक वो यहां से निकल जाएगा। ऐसा
सबको डायग्राम क्लियर है कि नहीं? इसका नाम दे देंगे हम M, ठीक है? इसका नाम दे देंगे हम P। सबको डायग्राम क्लियर है? रियल इमेज एंड इन्वर्टेड क्या बात है? पूरा आप लोगों को दसवीं कक्षा याद आ गया होगा, कैसे आप लोग आजू बाजू बैठे हैं सब याद आ गया होगा, ठीक है? अब सुनिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैंने ज्यादा कर्व कर दिया, मुझे कर्व थोड़ा कम कर देना चाहिए ताकि मैं जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मजा आ जाए। जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मजा आ जाए, ठीक है? ये है मिरर। अरे टेंशन मत लीजिए, सब मैनेज हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। और इसको भी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। Everything is manageable. देखा, हो गया ना मैनेज? इसका नाम था P, सॉरी M। तो पहला स्टेप आपने तो देख लिया क्या करना था, कि ड्रॉ रे डायग्राम, एक पोल के तरफ, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक फोकस के तरफ, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एम। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर करेंगे, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो लगभग लगभग वो P पर ही गिरेगा, लगभग लगभग वो P पर ही गिरेगा, क्योंकि मिरर इस पतला दुबला, सही है? अब चलिए हम लोग आगे बढ़े। दो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स लेंगे, तो कौन कौन से दो पेयर ऑफ ट्रायंगल लेंगे ये आपको याद होना चाहिए। याद रखिएगा, ये 12th के बोर्ड में आता है। तो हम सोच रहे हैं कि हम, देखिए ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है। यहां से लेकर पोल तक का डिस्टेंस को हम यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू कहते हैं। हम क्या कहते हैं? वी कहते हैं, वी। अब ये सब तो आपको मालूम है। तो मैंने क्या बोला, याद रखिएगा कि टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल लेना है, टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल लेना है हमको। तो कैसे याद रखेंगे कि कौन सा टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल लेना है? पहला ऑब्जेक्ट जो ट्रायंगल बना रहा है पोल के साथ, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट जो ट्रायंगल बना रहा है पोल के साथ, इज इट विजिबल बच्चों? और दूसरा इमेज जो बना रहा है पोल के साथ, दूसरा जो इमेज बना रहा है पोल के साथ, ये दो, ऑब्जेक्ट पोल के साथ और इमेज पोल के साथ, ये ट्रायंगल हम लेंगे। और ध्यान से देखिएगा बच्चों लोग,
ध्यान से देखिएगा, आ रही है ना आवाज अभी, कि अभी भी अटक रहा है। अच्छा अभी बफर हो रहा है, होने दो बफर। होने दो बफर, होने दो, टेंशन मत लो। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने दो ट्रायंगल चुना, ये दोनों ट्रायंगल का नाम देखेंगे क्या है, ए बी पी। ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, एक बार आप भी कंफर्म कर लो कि मैंने जो नाम दिया है वही ट्रायंगल आप देख रहे हैं कि नहीं। मैंने जो नाम दिया है वही ट्रायंगल आप देख रहे हैं कि नहीं। मैंने जो यहां पर नाम दिया है वही ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना। ओके, अरे हाय ना तो बोलिए। ठीक है, मैंने जो नाम दिया है वही ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ए बी और पी, ये है ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल पोल के साथ, और ए डैश बी डैश पी, ये है इमेज का ट्रायंगल पोल के साथ। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, बाय ट्रिपल ए, बाय ट्रिपल ए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय ट्रिपल ए। ट्रिपल ए मतलब देखिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना, ए पी बी, ए पी बी एंड ए डैश पी बी डैश, ये दोनों एंगल बराबर होगा क्योंकि I is equal to R है, क्योंकि I is equal to R है, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, मतलब A dash P, B dash P, पहले इसका देख लेते हैं, A B P is equal to A dash B dash P, कितना 90 डिग्री, ये दोनों एंगल भी बराबर है। बेटा ध्यान से देखना, ये 12th का बोर्ड में आता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। टेंशन मत लो, जो उसकी पर बता दूंगा मैं आपको, पूछ लेना। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो बाय सिमिलरिटी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। जैसे बड़े ट्रायंगल का ए बी अपॉन छोटे ट्रायंगल का ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का बी पी, है ना, और छोटे ट्रायंगल का बी डैश पी। क्या आप समझ पाए? बहुत बढ़िया। तो दो पेयर में से एक पेयर तो हो गया, और उससे हमने ये इक्वेशन लाया, उससे हमने ये इक्वेशन लाया, समझे। अब दूसरा पेयर कौन सा लेंगे वो देखिएगा ध्यान से। दूसरा पेयर हम कौन सा लेंगे, पेयर कौन सा लेने वाले हैं हम, दूसरा पेयर ये लेने वाले हैं इमेज का फोकस पे, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका फोकस पे, यानी ये ट्रायंगल इमेज जो बना रहा है फोकस पर,
और दूसरा ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है वो जो बना रहा है फोकस पर, ठीक है। पेयर कौन सा है बबुआ? दूसरा ट्रायंगल का कलर वापस जूम पे आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ अभी 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 तो नहीं ले सकते ना, कल से लेंगे, ठीक है कल से लेंगे। खैर आपको दिख रहा है ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल कौन सा है दिख रहा है ना? आओ तो कल से लेंगे ना सुन पे, अभी अभी क्या बंद कर दो क्या सब कुछ? बफरवाह हो रहा है, बफरवाह। अरे तो स्टेप्स फिर से बता देंगे ना, अभी आया क्या वो तो बताइए। से आ रहा है ना? तुम लोग आपस में लड़ लो पहले, ठीक है? पूरा क्लियर है, हमको ही नहीं दिख रहा, बस क्लियर है कि यही अटका हुआ है अभी। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कैसे? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना ये दोनों, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्लियर है? क्लियर है करते रहो तो बताओगे। हाँ तो मैं बोलूंगा कि एंगल एम एफ पी, एंगल एम एफ पी इज इक्वल टू एंगल बी डैश एफ ए डैश। काय को इक्वल है ये ना भाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये दोनों 90 डिग्री है,
ये दोनों 90 डिग्री है ना, मतलब बी ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू एम पी एफ, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो फिर से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, एम पी एफ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो गए बाय ए ए ए। ओके, ये दोनों भी सिमिलर हो गए। तो अब बचुआ, अगर ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल के साइड्स भी प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब एम पी बाई ए डैश बी डैश एम पी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी डैश नहीं बड़े ट्रायंगल का एफ पी बाई बी डैश एफ एफ पी बाई बी डैश एफ। क्लियर है बच्चों, ये ठीक है ना, ये ठीक है कि नहीं है? हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मैं एम पी के जगह ए बी लिख सकता हूं? क्या मैं एम पी के जगह ए बी लिख सकता हूं? ए बी बाय ए डैश बी डैश बाय एफ पी, क्योंकि एम पी और ए बी बराबर है, लिख सकता हूं ना। तो इसका नाम हम दे देंगे इक्वेशन टू। वाह रे वाह, देखो कुदरत का करिश्मा, इक्वेशन वन भी ए बी बाय ए डैश बी डैश है और इक्वेशन टू भी ए बी बाय ए डैश बी डैश है। तो क्या मैं इक्वेशन वन और टू को इक्वेट कर सकता हूं? क्या मैं इक्वेशन वन और टू को इक्वेट कर सकता हूं? इक्वेट बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो इक्वेट कर लेते हैं। इधर है बी बी पी बाय बी डैश पी इज इक्वल टू, इधर है एफ पी बाय बी डैश एफ, ये तो हो गया। हाँ, तो मैं देखिए एक चीज अभी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बीपी डायग्राम में क्या है? बीपी क्या है? अरे ये तो इमेज डिस्टेंस है, बीपी तो इमेज डिस्टेंस है। बी डैश पी क्या है? बी डैश पी क्या है? बी डैश पी बी डैश पी वो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। B'P क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और B'P हो गया। FP क्या है? FP ये देखिए F और P, FP क्या है? दिशांत मिश्रा, FP तो फोकल लेंथ है, FP तो फोकल लेंथ है। तो ये है इमेज डिस्टेंस, ये है नहीं सॉरी ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस, ये है फोकल लेंथ। ये क्या है? बी डैश एफ क्या है? बी डैश एफ कुछ है क्या? बी डैश एफ कुछ है जी? बी डैश एफ कुछ नहीं है, बी डैश एफ कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हर्ष ठाकर ने एकदम जगह पर तीर मारा है। बी डैश एफ की जगह हम लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश एफ की जगह हम लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी।
लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इधर देखिएगा ध्यान से, इधर इधर देखिएगा, बीपी को हम बोल सकते हैं माइनस यू, थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन याद है ना, बी डैश पी को हम बोल सकते हैं माइनस बी, और एफ पी को हम बोल सकते हैं माइनस एफ। तो ये सारे मीनिंग्स को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये सभी बीपी की जगह हम लिखेंगे माइनस यू, बी डैश पी की जगह लिखेंगे माइनस बी, एफ पी की जगह लिखेंगे हम माइनस एफ, बी डैश पी की जगह लिखेंगे माइनस बी, और एफ पी की जगह लिखेंगे हम माइनस एफ। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो बेटा ये दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u बाय v इज इक्वल टू माइनस एफ बाय माइनस वी प्लस एफ, माइनस वी प्लस एफ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, नीचे का साइन उल्टा करके ऊपर के माइनस से काट सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, नीचे का साइन उल्टा करके ऊपर का साइन भी उल्टा कर दिए चलेगा? आला रे आला, अभी बाकी है, टाइम है, टाइम है। अच्छा, तो क्या मिला, u by v is equal to f by v minus f। क्या हम इसको पूरा ही उल्टा पुल्टा कर सकते हैं? v by u is equal to v minus f by f, पूरा ही बोथ साइड उल्टा कर सकते हैं, बोथ साइड उल्टा कर सकते हैं। अच्छा, ये f v के नीचे भी आएगा और ये f f के नीचे भी आएगा, ये f v के नीचे भी आएगा और ये f f के नीचे भी आएगा, आएगा ना। तो यहां नीचे अगर मैं लिखूंगा आपको दिखेगा नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं। तो क्या है लेफ्ट साइड में v by u, और राइट साइड में क्या है v by f माइनस f by f, तो वन हो जाएगा ना रे, है ना, f by f तो वन हो जाएगा ना। सेजर सेजर दिख रहा है कि नहीं? f by f वन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को दोनों साइड v से डिवाइड कर देंगे, इस पूरे इक्वेशन को दोनों साइड, कहां कॉर्नर का नहीं लिख रहा है, कॉर्नर का नहीं दिख रहा है, और कुछ नहीं था वो, जल्दी देख लो, ठीक है, थोड़ा और ऊंचा कर देते हैं, रुको, दिखना चाहिए ना बाबा, ऐसा कैसे कर सकते हो, दिखना चाहिए, अभी ठीक है ना, अभी फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो f by f1 हो गया ना, यहां फिक्स देखो, सबको समझ में आ रहा है,
हमने u by v था तो v by u लिख दिया, f by v minus f था तो उसको v minus f by f लिख दिया, दोनों साइड उल्टा पुल्टी कर दिया और f को कर दिया bifurcate, ये हो गया v by f minus f by f, f by f कौन हो गया, और हम इसको उठा के यहाँ पर छाप दिए हैं, इसको उठा के हम यहाँ पर छाप दिए हैं, v by u is equal to v by f माइनस वन। अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों जगह हम v से डिवाइड कर रहे हैं, तीनों जगह हम v से डिवाइड कर रहे हैं, समझे, तीनों जगह v से डिवाइड कर दिए तो ये v और ये v कैंसिल हो गया, ये v और ये v कैंसिल हो गया और आंसर आ गया, और आंसर आ गया, देखा, इसको बोलते हैं प्रूफ, इसको बोलते हैं हम प्रूफ, समझ गए, कैसा लगा, टेंथ क्लास में खाली फॉर्मूला देखते थे, अभी प्रूफ हो गया, देखिए आपके सामने, टेंथ क्लास में खाली फॉर्मूला देखते थे, अभी देखिए आपके सामने प्रूफ हो गया, तो याद रखिएगा बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई, सीबीएसई ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम में आता है, समझे, मजा तो आना ही था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज हैव स्क्रीनशॉट, हाउ यू मैन, यूट्यूब का बहुत बुराई कर रहे बच्चे लोग, बोलते जो भी ठीक था, स्क्रीनशॉट ले लिए, थोड़ा सा ये पार्ट हम मिटा रहे हैं और आपको एक चीज बता रहे हैं, देखिए बेटा मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, छोटा चीज बड़ा दिखना, बेटा फिजिक्स में मैग्निफिकेशन का मतलब छोटा चीज बड़ा दिखना नहीं होता है, समझे, यहां पर बड़ा चीज भी छोटा दिख सकता है और उसको भी हम मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं, समझे, बस वो मैग्निफिकेशन वन से छोटा होता है, खैर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वा रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वा, हाँ तो साइन कन्वेंशन के सहारे आप जानते हैं कि अगर ये हाइट एच है तो ये हाइट माइनस एच डैश है, समझे, यानी हम बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू एच है और ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस एच डैश है, साइन कन्वेंशन से ये माइनस होगा, ये बात आपको समझ रहा है कि नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं छोटा एम से, तो एम का फॉर्मूला हो जा रहा है साइज ऑफ इमेज यानी ए डैश बी डैश अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ए बी, ए बी, तो क्या हम इक्वेशन वन से, इक्वेशन वन को यूज करके ए डैश बी डैश बाई ए बी को लिख सकते हैं बी डैश पी बाई बी बी फ्रॉम इक्वेशन वन, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, तो ए डैश बी डैश हो जाएगा माइनस एच डैश, ए बी हो जाएगा
H B डैश P हो जाएगा माइनस B, याद रखिए, और B P हो जाएगा माइनस U, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल हुई गवा और मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला आ गया। ये माइनस अगर राइट साइड लिख दिया जाए तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया H बाई H डैश बाई H और माइनस V बाई U, यानी मैग्निफिकेशन भी प्रूव हो गया, मैग्निफिकेशन भी प्रूव हो गया। समझ गए कड़ना का तूला। हाँ तो सब कुछ समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी में लिख लेना। अब हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे, अगले सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे मालूम है, अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। जो एक टॉपिक छोटा सा बाकी है वैसे भी, है ना, एक बार साइन कन्वेंशन आपको पढ़ा देंगे, और सोच रहे हैं कि हम लोग अगले सेशन में वेलोसिटी ऑफ इमेज स्फेरिकल मिरर में भी पढ़ लेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब हम चलिए हेक्सागन वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बेटा हेक्सागन वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो आपसे गलत क्यों हुआ पता है, क्योंकि आप लोग बराबर सर्कल ही नहीं बना पा रहे थे। देखिए बराबर सर्कल ही नहीं बना पा रहे थे आप लोग। अगर मान लीजिए ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, ये मान लीजिए रेगुलर हेक्सागन है और ऑब्जेक्ट मान लो सेंटर में है, तो कितने इमेज बनेंगे वो आइए देखते हैं। ये सब मिरर है, सर्कल बन गए थे, बट सर्कल कहां बनाए थे आप, इसको सेंटर और इसको रेडियस। हेक्सागन का प्रॉपर्टी सुनिए, हेक्सागन का प्रॉपर्टी होता है कि ये साइड अगर मान लीजिए ए है तो ये आधा डायगोनल भी ए ही होगा, समझे। तो जब आप यहां पर डिवाइडर रख के सर्कल बनाएंगे आपका सर्कल जो है वो यहां से पास होगा ऐसे, आपका सर्कल जो है वो हेक्सागन के वर्टिसेस से पास होगा। सिमिलरली यहां जब डिवाइडर रख के आप बनाइएगा ऐसा, यहां पर जब आप डिवाइडर रख के बनाइएगा ऐसा, फिर यहां पर डिवाइडर रख के बनाइएगा ऐसा, फिर यहां पर डिवाइडर रख के बनाइएगा ऐसा, समझे, फिर यहां पर डिवाइडर रख के बनाइएगा ऐसा, ऐसा बनेगा। धन्यवाद धन्यवाद। अगर ये हेक्सागन और अच्छा बना होता तो सर्कल भी बहुत अच्छा बनता। मेरा मकसद था कि मैं सर्कल को अगर यहां पर कंपास रखता हूं
तो सर्कल दूसरे और दूसरे वर्टिसेस से पास होने चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये है ऑब्जेक्ट, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये एक मिरर है, ये दो मिरर है मान लीजिए, तो मैं अगर एक लाइन ऐसा बनाता हूं, तो ये एंगल होगा 60, समझे, ये एंगल भी होगा 60, ये एंगल भी होगा 60, ये एंगल भी होगा 60, और ये एंगल भी होगा 60, ये एंगल होगा 60 और ये भी होगा 60, टोटल 660 होने चाहिए, 60 60 60 60 60 60, ये सारे एंगल्स आपको समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो सुनिए, ये ऑब्जेक्ट का इस मिरर से पहला इमेज बनेगा यहां पे, ये ऑब्जेक्ट का इस मिरर से पहला इमेज बनेगा यहां पे 60 एंगल पर, और यही ऑब्जेक्ट का इस मिरर से पहला इमेज बनेगा यहां पे, समझे, ये जो मिरर है ये मिरर से इमेज बनेगा यहां पे और ये मिरर से इमेज बनेगा यहां पे, समझ रहे हैं? ठीक है, दो ही इमेज बन रहे हैं, ये तो हेक्सागन में कितने इमेज बनते हैं रे? दो इमेज बनते हैं, तो दो बन गए, लेकिन तीन बनेंगे ना, और फिर एक कैंसिल होगा, तो ये बनेगा, इसका इमेज बनेगा यहां पे 60 है, यहां पे बनेगा, इसका इमेज बनेगा इधर, अब इसका इमेज अगर मैं इधर बनाने जाऊं, ये 180 है, 180 पे बनेगा, और इसका इमेज मैं अगर इधर बनाने जाऊं, ये 180 है, ये भी 180 पर बनेगा, तो दो ही इमेज बन रहे हैं, तो ये एक इमेज बना, ये दो इमेज बना, सिमिलरली ये तीन इमेज इधर बनेगा, ये चार इमेज इधर बनेगा, समझे, पांच इमेज इधर बनेगा और छह इमेज इधर बनेगा, तो सही है, आप सिक्स इमेजेस बनेंगे, हाँ, मतलब ऐसा है, ऐसा है कि ये जो दो मिरर है, ये जो दो मिरर है, इन दोनों का ये इमेज और ये इमेज बन रहा है, समझे, अब ये जो दो मिरर है, ये वाला, ये मिरर और ये मिरर, ये दोनों मिरर्स का दो इमेज बनेगा, ये वाला और ये वाला, समझे, सिमिलरली ये दोनों मिरर्स का, ये दोनों इमेज मिरर्स का, ये वाला मिरर और ये वाला मिरर का दो इमेज बनेगा, ये वाला और ये वाला, सिमिलरली ये दोनों मिरर का, ये और ये, इसका दो इमेज बनेगा, ये वाला और ये वाला, सिमिलरली ये दोनों मिरर्स का, ये जो दो मिरर्स है, ये और ये, इसका इमेज बनेगा ये वाला और ये वाला, और ये दो मिरर्स का ये वाला, इनका इमेज बनेगा ये वाला और ये वाला, तो कुल मिलाकर छह इमेज बनेंगे, ईच मिरर टू इमेज एंड वन इमेज ओवरलैप्ड, यस, तो सबको समझ में आ गया है, और किसी को कोई डाउट है?
और किसी को कोई डाउट है? अच्छा बताइए, तो अगर मान लीजिए एक स्फीयर है और ये स्फीयर मान लीजिए बाहर से पूरा पॉलिश्ड है, ये बाहर से पूरा पॉलिश्ड है, ठीक है, और सेंटर पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो कितने इमेज बनेंगे, कितने इमेज बनेंगे? क्या बात है, एकदम सही। ये मिरर का हर हिस्सा एक इमेज बनाएगा, ये मिरर का हर हिस्सा एक इमेज बनाएगा, ये मिरर का हर हिस्सा एक इमेज बनाएगा, समझे, हर हिस्सा एक इमेज बनाएगा। इसीलिए अगर आप इसका इमेज इस मिरर में देखेंगे तो एक ही इमेज नजर आएगा, लेकिन कुछ बराबर समझ में नहीं आएगा कि वो कैसा है करके, पूरा इमेज जो है वो फैल जाएगा, क्योंकि ये सारे इमेज जुड़ जाने वाले हैं, ये सारे इमेज जुड़ जाने वाले हैं, अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिव है, बिल्कुल सही। स्फीयर पे डिपेंड करता है कि कितने इमेजेस बनेंगे, स्फीयर पे डिपेंड करता है, मतलब स्फीयर कितना भी छोटा है, स्फीयर कितना भी छोटा है, उस वो जब देखेगा इस मिरर पर, जब देखेगा तो हर पार्ट पर उसको अपना इमेज नजर आएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, इमेज विल बी एक्सटेंडेड ऑल ओवर द स्फीयर, इमेज विल बी एक्सटेंडेड ऑल ओवर द स्फीयर, पूरा एक ही दिखेगा फैला हुआ, बिल्कुल सही से चल, इमेज पूरी फैली हुई दिखेगी बट एक ही, बिल्कुल सही। तो इनफाइनाइट आंसर सही है, और आप अगर इस तरह बोलेंगे कि एक ही इमेज दिखेगा पूरा फैला हुआ तो वो भी सही है। समझ गए ना? बताइए, ये अगर मान लीजिए एक कन्वेक्स मिरर है और आप यहां पर हैं, या मान लीजिए आप इंफिनिटी में हैं, आप मान लीजिए इंफिनिटी में हैं, या मान लीजिए आप यहां पर हैं, या मान लीजिए आप यहां पर हैं, या मान लीजिए आप यहां पर हैं, अलग अलग जगह है, ऑब्जेक्ट का अलग अलग जगह है, ये ऑब्जेक्ट का अलग अलग जगह है, और ये मान लीजिए इसका सेंटर है और ये मान लीजिए फोकस है। तो बताइए, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका इमेज में कॉमन बात क्या होगा, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इमेज में कॉमन बात क्या होगा? हाँ, कन्वेक्स है, सेंटर, वर्चुअलिटी, बिल्कुल सही, सभी का इमेज वर्चुअल होगा, सभी का इमेज वर्चुअल होगा, फोकस में होंगे सब, बिल्कुल गलत,
इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होने से, बस इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होने से फोकस पर इमेज बनता है, बस इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होने से फोकस पर इमेज बनता है। बिल्कुल सही, सारे इरेक्ट होंगे, सारे इरेक्ट होंगे। हाँ कविता कुणाली, बहुत दिन बाद दिखी मेरे को तू। अरे मैसेज हटा दी। अरे कविता वापस से मैसेज डालो, बिल्कुल सही बोली थी। कविता कुणाली बहुत दिन बाद तुम दिखी मेरे को, वापस से मैसेज लिखिए, बिल्कुल सही बोले थे आप। सबका पोजीशन अलग है तो फोकस पे सबका नहीं बनेगा, बिल्कुल सही। कविता कुणाली वापस से मैसेज लिखिए, आप तो मिटा दिए। रे 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 रे, सब इरेक्ट होंगे, सब वर्चुअल होंगे। और क्या होगा, सभी के इमेजेस आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए, आप ऑब्जेक्ट को मिरर के ऊपर लेटा दीजिए, आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए, इमेज का दायरा यहां से लेकर यहीं तक है, समझे। इमेज का दायरा यहां से लेकर इसी बीच में इमेज बनेगा, इसके अलावा इमेज और कहीं नहीं बनेगा। यू कैन नॉट हैव द इमेज बियॉन्ड एफ, इसके बाहर इमेज नहीं बनेगा। बिहाइंड द मिरर को ही वर्चुअल बोलते हैं, समझ गए ना, समझ गए ना। लेकिन ऐसा करके मिरर में नहीं होता है, ऐसा करके मिरर में नहीं होता है। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तब इमेज फोकस पे बनेगा। ऑब्जेक्ट जब धीरे धीरे करके, ऑब्जेक्ट जब धीरे धीरे करके इतना लंबा डिस्टेंस तय करते हुए, ऑब्जेक्ट जब धीरे धीरे करते इतना लंबा डिस्टेंस तय करके सी पर आएगा, सी पर आएगा, उस समय इमेज जो है वो छोटू सा डिस्टेंस क्रिएट करके सी पर आ जाएगा, समझे। हाँ सोचो, ऑब्जेक्ट ने कितना बड़ा डिस्टेंस तय किया और इमेज ने सिर्फ कितना सा डिस्टेंस तय किया। छोटू सा, क्या ऑब्जेक्ट और आगे नहीं जा सकता, क्या ऑब्जेक्ट और आगे नहीं जा सकता, जा सकता है ऑब्जेक्ट और आगे जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट जब अब छोटू सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऑब्जेक्ट अब यहां से लेकर यहां तक छोटू सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इमेज पहुंच जाएगा इंफिनिटी में, इमेज पहुंच जाएगा इंफिनिटी में, यानी टकला का बदला हो गया। पहले ऑब्जेक्ट इतना बड़ा डिस्टेंस तय किया सी तक, तो इमेज छोटू सा डिस्टेंस तय किया सी तक, है ना। फिर ऑब्जेक्ट इतना सा डिस्टेंस तय किया एफ तक, और इमेज पहुंच गया बड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके इंफिनिटी तक। तो यहां से ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा और उसी दौरान इमेज यहां से यहां पहुंच गया, उसी दौरान इमेज यहां से यहां पहुंच गया। और देखिए, हर वक्त इमेज खुद के साइज से बड़ा हो रहा था,
हर वक्त इमेज प्रीवियस साइज से बड़ा हो रहा था, है ना। जब जब ऑब्जेक्ट सामने जा रहा है मिरर का, इमेज खुद के साइज से बड़ा हो रहा है, हर वक्त वो बड़ा होते रहा, बड़ा होते रहा, और जब वो इंफिनिटी पहुंच गया उस समय हाईली मैग्निफाइड हो गया। जब इमेज इंफिनिटी पहुंच गया तो हाईली मैग्निफाइड हो गया। समझे, समझे। क्या ऑब्जेक्ट और आगे नहीं जा सकता? क्या ऑब्जेक्ट और आगे नहीं जा सकता? जा सकता है ऑब्जेक्ट और आगे जा सकता है, लेकिन इमेज और आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इमेज इंफिनिटी पहुंच गया है, इंफिनिटी के बाद कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्ट और आगे जा सकता है बट इमेज पहुंच गया है इंफिनिटी, तो मिरर तो ऐसा बोलेगा नहीं कि मैं इमेज नहीं बनाऊंगा। मिरर है तो इमेज तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट एक कदम आगे बढ़ता है फोकस से, तो ये इमेज दूसरा इंफिनिटी से लौटता है। समझे, ये इमेज जो है वो दूसरा इंफिनिटी से लौटता है। क्या करेगा? उधर जगह ही नहीं था जाने का, उधर जाने का जगह ही नहीं था। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस को क्रॉस करके थोड़ा भी आगे बढ़ेगा, इमेज अब दूसरे इंफिनिटी से लौटेगा। समझे, और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पोल के पास, ऑब्जेक्ट अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इमेज वैसे वैसे आगे बढ़ेगा पोल के पास। समझे, तो पहले ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा था, अब ऑब्जेक्ट छोटा हो रहा है। समझे, काश ये ऑब्जेक्ट जाकर पोल पर खड़ा हो सकता, काश ये ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर पैर डाल के ये ऑब्जेक्ट काश पोल पर खड़ा हो सकता, तो इमेज भी उसके साथ खड़ा होता, सेम साइज। समझे, लेकिन अफसोस ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर पांव नहीं डाल सकता, इसीलिए यहां पर हमेशा ऑब्जेक्ट आखिरी इमेज जो बनाया वो मैग्नीफाइड ही रहेगा, सेम साइज नहीं होगा। तो बस एक बार सेम साइज हुआ था, जब जब बड़ा होते होते इमेज सी पर आ गया था, जब ऑब्जेक्ट सी पर आ गया था, बस यही वो समय है जब सेम साइज हुआ था। समझे, इमेज देखिए, इमेज का जो जर्नी है वो पॉइंट साइज से शुरू हुआ, पॉइंट साइज से बड़ा होते 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 इंफिनिटी पहुंच गया, फिर दूसरे साइड से लौटा और छोटा होते 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 ऑब्जेक्ट का सेम साइज होने ही वाला था, लेकिन ऑब्जेक्ट तो पोल पर कदम रख नहीं सकता, तो यहां पर सेम साइज नहीं हो पाया। सो ये वो टेबल है जिसको आप टेंथ में रटे थे कि ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा। हाँ, ये अच्छा सवाल है जसजोत का, मिरर में छेद हुआ तो मिरर में छेद हुआ तो चले जाना उस पर। लास्ट केस ऑफ कंटिन्यू मिरर, तो ये था कन्वेक्स मिरर में कोई कहानी नहीं है, नो कहानी, नो कहानी इन कन्वेक्स मिरर, क्योंकि तुम कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बिटवीन एफ एंड पी और डिमिनिश्ड ही बनेगा।
समझे, यहां ऑब्जेक्ट लंबा सफर तय करके आता है और इमेज छोटू सा सफर तय करके पहुंच जाता है। काश यहां भी ये ऑब्जेक्ट मिरर के पोल पर कदम रख सकता तो इमेज बड़ा होते होते ऑब्जेक्ट का सेम साइज हो जाता। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है मिरर के पास, इमेज भी आ रहा है मिरर के पास, बड़ा होते होते। लेकिन सेम साइज नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के पोल के अंदर पैर नहीं रख सकता। तो यहां पर कभी भी सेम साइज नहीं होगा, हमेशा डिमिनिश्ड होगा। और यहां पर देखिए बदला लेने का मौका नहीं मिलता है, देयर इज नो बदला ऑफ टकला हियर। बदला का मतलब यह है, यहां देखिए पहले इमेज लंबा डिस्टेंस तय किया तो फिर बाद में सॉरी पहले ऑब्जेक्ट लंबा डिस्टेंस तय किया तो इमेज छोटा सा डिस्टेंस तय किया, फिर ऑब्जेक्ट छोटा सा डिस्टेंस तय किया और इमेज लंबा डिस्टेंस तय किया, यहां पर बदला होता है, यहां पर टकले का बदला होता है। यहां पर बदला नहीं हो पाता है, यहां पर बदला नहीं ले पाता है ऑब्जेक्ट, बदला नहीं ले पाता है ऑब्जेक्ट, लंबा सफर तय करके आता है, इमेज छोटा सफर तय करता है। कहानी खत्म। यहां पर कहानियों का पार्ट वन और पार्ट टू है, बदला पार्ट वन, बदला पार्ट टू। तो ठीक है बच्चे लोग, 12:34 हो गया है, मिलते हैं परसों सेशन 7 के साथ, वहां पर हम लोग देखते हैं और क्या पढ़ सकते हैं, फिर कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार जूम में क्लास हो। कंकेव सब बना सकता है पर है वर्चुअल और डिमिनिश्ड नहीं बना सकता, बना तो रहा है बे, कंकेव वर्चुअल और डिमिनिश्ड नहीं बना सकता। बात सही है तुम्हारा, वर्चुअल एंड एनलार्ज बनाता है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड नहीं बना सकता कन्वेक्स की तरह। स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट लेने लायक नहीं है फिर भी ले लो। ओके बच्चों बाय, मिलते हैं परसों। केमिस्ट्री का तो सासर लेंगे, यूट्यूब पे लेते हैं वो। अरे सासर, यहां से क्या मैं करूं, मतलब स्ट्रीमिंग स्टॉप कर दूं क्या, यहां पर मैं स्ट्रीमिंग स्टॉप कर दूं क्या? सासर आपको तो पता होगा ना, सासर ने फिर से यस बोला। ओके हाँ, नया लिंक आएगा।